अखिल भारतीय शिक्षक संघ की जो टीचर्स हैं, यहाँ समस्त भारत के राज्य से यहाँ पर उपस्थित हैं अपनी मांगों को लेकर। और हमारे बीच में है उत्तर प्रदेश के कुछ शिक्षक, आइए हमसे जानकारी लेते हैं कि इनकी मांगें क्या हैं, किन मांगों को लेकर ये संसद मार्ग पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका नाम? मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह हूँ, माध्यमिक शिक्षक संघ का जिला अध्यक्ष हूँ, मथुरा से आया हुआ हूँ। हमारे शिक्षक साथी भी आए हुए हैं। एकमात्र हमारा मांग है पुरानी पेंशन की बहाली। पिछले 2005 से उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी कर्मचारी और शिक्षकों की पेंशन बंद कर दी गई है। नई पेंशन योजना लागू की गई है, उसका पैसा कहाँ जा रहा है कोई हिसाब किताब नहीं है, किसी खाते में नहीं आ रहा है। कुछ की कटौती हो रही, कुछ कटौती नहीं हो रही है। जबकि पुरानी पेंशन योजना में रिटायरमेंट के बाद सबको पेंशन मिलती थी, जितना वेतन होता था उसका आधा हमको पेंशन मिलती थी, निर्धारित था, उस पर बीच बीच में डीए भी लगता था। नई पेंशन योजना में क्या है इसका कोई हिसाब किताब कोई राजनेता नहीं बता सकता है, ना तो कोई बिजनेसमैन बना सकता है बता सकता है, कोई नहीं बता सकता है। अभी एक टीचर कह रहे थे कि वो छठा जो वेतन आयोग लिया गया था और दिया गया था उसके अंदर काफ़ी सारी विसंगतियाँ हैं, तो वो क्या विसंगतियों को लेकर आप यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हाँ, जहाँ तक उनकी बात है तो वो पूर्वोत्तर के हैं, यूपी में तो सातवां वेतन आयोग लागू हो गया है और चल रहा है। पुरानी पेंशन की मांग है, पुरानी पेंशन लागू की जाए, पुरानी पेंशन लागू की जाए। नई पेंशन जो इन्होंने लगाई किसी के समझ में नहीं है और बाहर है, अभी तक कोई स्पष्ट स्कीम क्या है ये पता तक नहीं है। इसलिए हमारी मांग है कि पुरानी पेंशन से पुनः बहाल किया जाए। पुरानी पेंशन लागू हो, अगर न लागू हो सारे सांसद विधायक सब अपनी पेंशन खत्म कर दें, या तो न्यू पेंशन की स्कीम के तहत वो भी आए।